हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में ओजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। ओजेनेसिस की शुरुआत होती है जर्मिनल सेल्स से। ये जर्म सेल्स भी कहलाते हैं, ये जर्मिनल सेल्स कह लें। एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया है, जो कि ओवरी की लाइनिंग में मिलेंगे, और ये सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। ये सेल्स डिवाइड करके जो सेल्स बनाते हैं वो कहलाते हैं ओगोनिया, क्योंकि ये भी एक सिंपल माइटोटिक डिवीजन है, इसलिए ओगोनिया से बनने वाले सेल्स भी डिप्लॉइड ही हैं। इसके बाद ओगोनिया साइज गेन करता है और मियोसिस वन के लिए तैयार होता है। इसे प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। प्राइमरी ओसाइट अब जब डिवाइड करेगा तो मियोसिस वन से करेगा। मियोसिस वन रिडक्शन डिवीजन होता है, और इसके अंदर प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस वन। अब रिजल्ट जब आएगा सामने तो हम देखेंगे दो तरह के सेल्स बने। अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ। अनइक्वल सेल डिवीजन से बनने वाले जो दो सेल्स हैं, इनमें बड़े वाला सेल कहलाता है सेकेंडरी ओसाइट और छोटा सेल कहलाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं, क्योंकि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ओसाइट की। इसमें जब डिवीजन होगा तो मियोसिस टू कहलाएगा। मियोसिस टू से भी अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। मियोसिस टू भी अनइक्वल सेल डिवीजन है, और इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। इसमें भी प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू और साइटोकाइनेसिस टू जैसी स्टेजेस हैं। ये जो सेल बना ये ओटेड या ओवम कहलाएगा, और ये है सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड कर भी सकती है और नहीं भी। तो हम यदि ओजेनेसिस को फेजेस में डिवाइड करें तो ये पहली फेज होगी, दैट इज फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये सेकेंड फेज है, दैट इज फेज ऑफ ग्रोथ, और ये थर्ड फेज है जो कि ओटेट तक चलेगी, दैट इज फेज ऑफ मैच्यूरेशन डिवीजन। यदि हम रिजल्ट ऑफ मियोसिस की बात करें जो कि ओजेनेसिस का ही रिजल्ट देख रहे हैं हम, तो ओजेनेसिस के रिजल्ट की बात करें तो वन ओटेट प्लस आइदर टू और थ्री पोलर बॉडीज। यदि ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड कर लेती है तो फिर दो पोलर बॉडी वो और एक सेकेंड पोलर बॉडी, और नहीं डिवाइड करती तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी मिलकर के दो पोलर बॉडी बन जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें याद रखने के लिए, प्रोफेज वन वो स्टेज है जिसमें ओजेनेसिस में फर्स्ट अरेस्ट लगेगा। ओजेनेसिस एक मेजर टाइम के लिए रुकता है दो बार, इन्हें अरेस्ट कहा जाता है। ये फर्स्ट अरेस्ट जो लगता है ये बर्थ के पहले लगता है, और उसके बाद ये अरेस्ट प्यूबर्टी तक कंटिन्यू रहता है। फिर जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो
तो उसके बाद कुछ सेल्स में ये अरेस्ट ओवरकम होता है, सेल डिवाइड करता है प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, और सेकेंडरी ओसाइट बनते से ही सेकेंड अरेस्ट में चला जाता है मेटाफेज टू की स्टेज में। तो सेकेंड अरेस्ट जो लगता है वो है मेटाफेज टू में, और ये अरेस्ट तभी ओवरकम हो सकता है जब स्पर्म एग के इतनी पास आ जाए कि उसे फर्टिलाइजेशन एंश्योर हो जाए। तो जब एग और स्पर्म बहुत क्लोज होते हैं, अप्रॉक्सीमेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जस्ट इनिशिएट होती है, उसी वक्त सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस टू को ओवरकम करके, सेकेंड अरेस्ट को ओवरकम करके ओटिड और सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ओटिड या ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जायगॉट बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।